गांव का वार्षिक पानी बजट। हम अपने गांव के पानी की कमी को देखकर बूंद बूंद का महत्व समझते हैं और मानते हैं जल ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। इसलिए हमें पानी पर गांव स्तर पर चर्चा करनी होगी और इसको बचाने के लिए उपाय करने होंगे। पानी बजट गांव में जल की उपलब्धता व उसकी आवश्यकता के बारे में जानकारी देता है। इससे हमें पता चलता है कि गांव में पानी ज्यादा है या कम। ग्रामीणों को सोचने पर मजबूर करता है कि गांव में पानी को कैसे बचाया जाए। पानी बजट बरसात से मिलने वाले पानी का लेखा जोखा है। यह हमें बताता है कि बरसात से गांव में कितना पानी आया, कितना भूजल में चला गया, कितना तालाबों में इकट्ठा हुआ, कितना भाप बनकर उड़ गया, कितना उपयोग में लिया गया, कितना जमीन में नमी के रूप में रह गया और कितना गांव से बाहर निकल गया। आइए जाने कि गांव का पानी बजट कैसे बनाते हैं। नमस्ते साथियों, मेरा नाम इंद्र है। और मैं हूँ मेघा। आज हम आपको पानी का बजट कैसे बनाएं इसके लिए ट्रेनिंग देंगे। सबसे पहले पानी बजट बनाने के लिए गांव की मूलभूत जानकारी इकट्ठा करें। पानी का बजट बनाते समय सर्वप्रथम गांव में बरसात से होने वाले पानी की उपलब्धता का अनुमान करना होता है। इसको निकालने के लिए गांव के क्षेत्रफल यानी वर्ग मीटर को सीजन की कुल बरसात यानी मिलीमीटर से गुना करते हैं। जब बारिश होती है तो कुछ पानी तुरंत भाप बनकर उड़ जाता है, कुछ पेड़ की पत्तियों के ऊपर गिरकर बरसात बंद होने के बाद वातावरण में उड़ जाता है, कुछ किसी भी उपयोग में आने से पहले ही हवा में गर्मी के कारण चला जाता है। यह मात्रा कुल बरसात के लगभग 10% होती है। इस मात्रा को बारिश के कुल पानी की मात्रा से घटा दिया जाता है। बारिश में जमीन के ऊपर से बहने वाले पानी की मात्रा निकालने के लिए हमें जमीन की ढलान व मिट्टी के प्रकार को जानना जरूरी है। यहाँ दिए गए टेबल से हमें अपने गांव की जमीन की ढलान व मिट्टी के प्रकार से गुणांक मिलेगा, जिसको हम जमीन पर बहने वाले पानी की मात्रा निकालने में आगे इस्तेमाल करेंगे। बहने वाले पानी की मात्रा निकालने के लिए हम क्षेत्रफल यानी वर्ग मीटर को जमीन की ढलान का संकेतक और कुल बरसात यानी मिलीमीटर से गुणा करेंगे। गांव के जंगल और कृषि भूमि पर बहने वाले पानी की मात्रा को जमीन की ढलान, मिट्टी का प्रकार और बहने वाले पानी के संकेतक का उपयोग करके निकाला जा सकता है। गांव में पानी का महत्वपूर्ण स्रोत भूजल है। भूजल पुनर्भरण की मात्रा निकालने के लिए हम उपयुक्त सूचक लेंगे और उसे गांव के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे। वर्षा का कुछ जल गांव में बने तालाबों में जमा हो जाता है। गांव की कुल जल भराव क्षमता का निर्धारण हर एक तालाब की लंबाई, चौड़ाई और गहराई से किया जाता है। आपके गांव के मंदिर तालाब की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और गहराई 2 मीटर है, तब इस तालाब की कुल भराव क्षमता हुई 90 × 60 × 2 बराबर 10,800 घन मीटर यानी 1.8 करोड़ लीटर। घरों में पानी का इस्तेमाल पीने, खाना बनाने और नहाने धोने के लिए किया जाता है। गांव में प्रतिवर्ष लगने वाले पानी की मात्रा का आकलन हम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगने वाले औसत पानी गुणा 365 दिन गुणा गांव की जनसंख्या से कर सकते हैं। पशुओं पर सालाना पानी की खपत निकालने के लिए हम प्रति पशु दिन की पानी की जरूरत और कुल पशु संख्या को 365 दिन से गुणा करेंगे। गांव में अलग अलग उद्योग धंधे चलते हैं और इन उद्योगों में पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि चाय नाश्ते की दुकान, ईंट का भट्ठा आदि। आप टेबल से देख सकते हैं गांव के उद्योगों और दुकानों में साल भर में कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी की सबसे ज्यादा खपत खेती में सिंचाई के लिए होती है।
सिंचाई के पानी का मुख्य स्रोत भूजल व तालाबों में जमा पानी होता है। लोगों के साथ बातचीत करके अलग अलग फसल, उनका क्षेत्रफल, सिंचाई संख्या, सिंचाई का तरीका इत्यादि के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे कपास, बाजरा और गेहूं की लिस्ट बनाई है। आपको भी पूरे गांव में होने वाले फसल की लिस्ट बनानी होगी, फिर कैसे पानी की खपत निकालेंगे ये हम आगे देखेंगे। आप टेबल में देखेंगे कि अलग अलग फसलों के क्षेत्रफल को एक हेक्टेयर में लगने वाली सिंचाई की मात्रा और कुल सिंचाई की संख्या से गुणा करके हम उस फसल में गांव में लगने वाली कुल पानी की मात्रा को निकाल सकते हैं। फवारा सिंचाई में कुल पानी का इस्तेमाल निकालने के लिए हम पहले सभी नोजल द्वारा सिंचित क्षेत्र का पता लगाते हैं और उस क्षेत्र को सिंचित करने के लिए लगा समय नोट करते हैं। आप टेबल में देखेंगे कि बाजरे और गेहूं की फसल में फवारा सिंचाई से कितना पानी लगता है। ड्रिप सिंचाई में कुल पानी का इस्तेमाल निकालने के लिए हम कुल सिंचित क्षेत्र, कुल ड्रिपर्स की संख्या, ड्रिपर्स निर्वहन दर, प्रत्येक सिंचाई के लिए पंप संचालन का समय को गुणा करेंगे। एक बार एक हेक्टेयर क्षेत्र में लगने वाले पानी की मात्रा निकल जाए तो हम पूरे गांव में ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत कितना क्षेत्र है और उसको कितना पानी चाहिए इसका आकलन कर लेते हैं। आप टेबल में देखेंगे कपास की फसल में ड्रिप सिंचाई द्वारा कितना पानी लगता है। अंत में हम गांव में किसानों द्वारा अपनाई गई विभिन्न सिंचाई तकनीकों द्वारा पानी के कुल उपयोग को संकलित करते हैं, जैसा कि टेबल में दर्शाया गया है। अब आप टेबल में देख सकते हैं कि हमने गांव में उपलब्ध कुल पानी और गांव में कुल पानी की आवश्यकता निकाल ली है। अब हम उपलब्ध कुल पानी में से आवश्यक पानी को घटाकर पानी का बजट निकाल सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव जाती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये नेगेटिव संख्या आती है तो चिंता करने की जरूरत है। इसका मतलब गांव में उपलब्ध पानी से अधिक पानी का खर्च है और हमें पानी के खर्च को कम करने की जरूरत है। पानी बजट के मुख्य फायदे। पानी बजट गांव वालों को बताता है कि आपके गांव में कितना पानी है और कितना पानी घर, खेती और व्यवसाय में इस्तेमाल होता है। हमें पता चलता है कि कितना पानी स्टोरेज करने की क्षमता की जरूरत है। गांव में वर्षा मापन और भूजल मापन शुरू होगा, जो एक अच्छा उपक्रम है। लोगों में जागरूकता बढ़ेगी कि उन्हें पानी बचाने की जरूरत है। अगर जल बजट नेगेटिव आता है तो उसके पॉजिटिव करने के लिए हमें काम करना चाहिए, जैसे गांव के बाहर जाने वाले पानी को नियंत्रित करने के लिए चेक डैम का निर्माण, जहां तक हो सके खेतों में खुला पानी देने से बचना चाहिए। फव्वारा या ड्रिप सिंचाई से पानी व पैसा दोनों बचता है। अगर कम बरसात है तो किसानों को साथ लेकर सर्वसम्मति से सिंचित क्षेत्र को उस वर्ष में कम करना चाहिए। ग्राम सभा में पानी बचाने के उपाय पर चर्चा करके कार्य योजना बनानी होगी। यदि हमारे गांव में हर साल 2-3 कार्य योजना पर काम होंगे, तब हमारा गांव पॉजिटिव पानी बजट की ओर जा सकता है। पानी की हर बूंद को बचाना है जरूरी। ये है हम सबकी जिम्मेदारी।